नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो उसके हमने डेरिवेटिव शुरू किए, पहला डेरिवेटिव हमने कर लिया एस्टर, अभी उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए विषय को अब हम दूसरे डेरिवेटिव पे चलते हैं, और उसका नाम है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स का मतलब होता है जब हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, दो एसिड कंपाउंड्स हो, उसमें से अगर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। एनहाइड्राइड का मतलब ही है पानी को बाहर निकालना, एनहाइड्राइड हो जाना। आप बोलते हो हाइड्रस और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब है पानी को हमने बाहर निकाल दिया। तो जो हमें कंपाउंड उस पानी को निकालने के बाद मिलता है उसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड में वाटर डालोगे, पानी का मॉलिक्यूल डालोगे, वापस एसिड मिल जाएगा, उसमें से पानी को बाहर निकालोगे, हमें एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो ये भी एक डेरिवेटिव है। बेसिक तो हमारे पास एसिड ही है। ये जो समूह मैंने बताया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये समूह है, इस समूह को अब हमने रिप्लेस कर दिया किस ग्रुप से, COOOO वाले ग्रुप से, और इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। अब इसको हम कैसे बुलाएं, जैसे कि आप करते आ रहे हो, अभी तक देखते आ रहे हो, एक हो गया कॉमन नेम और एक हो गया आयुपैक नेम, ठीक है। अब आयुपैक नेम जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रही, उदाहरण दे रही हूं, CH3CO2O, तो ये एसिटिक एसिड से बना है, तो हमने इसका नाम देना है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक हो गया। ऐसे ही हम दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, ये हमने सक्सिनिक एसिड से बनाया, हमारे पास सक्सिनिक एसिड होता है CH2COH, उसमें से वाटर को निकाला, हमारे पे जो कंपाउंड बाहर निकल के आया वो है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। एक और उदाहरण लेते हैं हम, थैलिक एनहाइड्राइड, ये तो कॉमन नेम है, हमने इसको कॉमन में कैसे बुलाना है, जो कॉमन चीज है उसके आगे हमने जो शब्द इस्तेमाल करना है वो है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मैं मतलब आपको समझा चुकी हूं, मतलब उसमें से पानी को हमने एसिड का जो जिससे ये बना उसमें से हमने पानी को बाहर निकाल दिया, तो इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर हमने इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलना है, टेक्निकल भाषा में बोलना है, तो हमें आयुपैक नॉमनक्लेचर देना होगा, और आयुपैक नॉमनक्लेचर इसका क्या है अब यहां आपको बताते हैं। हमने ये ध्यान में रखना है, ये मद्देनजर रखना है किस एसिड से निकला है, इथेनोइक एसिड से निकला है, मिथेनोइक एसिड से निकला है, ब्यूटेनोइक एसिड से निकला है, जिस भी एसिड से निकला है हमने उसका नाम आयुपैक के हिसाब से देना है। ये हमारा निकला है, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड जो मैंने कॉमन नेम बताया। अगर हम इसमें पानी डालें, देखो ये क्या बन जाता है, एसिड, तो क्या एसिड है ये, एसिटिक एसिड। अब इसको अगर हमें आयुपैक का नाम देना है तो ये है इथेनोइक एसिड। हमने क्या एंड करना है, किस ग्रुप किस शब्द से इसको खत्म करना है, एनहाइड्राइड, मतलब निकला कहां से, एसिटिक एसिड से, तभी हमने वर्ड यूज किया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमने क्या करना है, आयुपैक नेम देना है, एसिटिक एसिड का आयुपैक नेम है इथेनोइक एसिड, उसको हमने एंड कर देना है, उसका खत्म करना है उसका एनहाइड्राइड वर्ड से, तो ये हो जाएगा हमारा इथेनोइक, इसका आयुपैक नाम हो जाएगा इथेनोइक। और कौन सा ग्रुप इंडिकेट करता है एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। मैंने आपको दूसरी उदाहरण दी थी सक्सिनिक एसिड की,
तो सक्सिनिक एसिड का कॉमन नेम तो सक्सिनिक एसिड हो गया, या एनहाइड्राइड का नाम सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो गया, लेकिन अगर हमने उसको नाम देना है IUPAC का, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्यों है डाइओइक? देखो, अगर हम इसको ये हटा देते हैं तो ये बन जाता है OH और OH, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन ब्यूटेन ब्यूटेनोइक, लेकिन दो एसिड्स हैं तो डाइओइक एसिड। अब डाइओइक एसिड तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया है, ये एनहाइड्राइड बन गया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन डाइओइक एसिड। चलो एक और एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई, तीन एग्जांपल जिसको मैंने उदाहरण को जो मैंने कॉमन नेम से बताया, अब मैं उसको IUPAC नेम से बता रही हूं। तो अभी मैंने आपको एक दिया, देखिए बेंजीन था, उसके साथ हमने एनहाइड्राइड को जोड़ा, तब तो हमने नाम इसका दे दिया था थैलिक एनहाइड्राइड, लेकिन IUPAC के नाम से इसका नाम होगा बेंजीन डाइओइक एनहाइड्राइड, ये इसका हो गया IUPAC। तो कोई भी एनहाइड्राइड, जो भी मॉलिक्यूल है, जिस भी एसिड से निकला है, उस एसिड का नाम, और उसको में से वाटर को निकाल देना है, तो किसे एंड करना है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का ही मतलब है एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से, दो कंपाउंड्स में से वाटर को हमने निकाल दिया, तो ये हो गया इसका कॉमन और IUPAC। अब हम इसको बनाने की विधियां देखते हैं, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। मैंने आपको जब ये शुरू किया, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो मैंने बताया ये डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो कि एसिड से बन सकते हैं, कितने भी तरीके से बन सकते हैं, एस्टर से बन सकते हैं, क्लोराइड से बन सकते हैं, एमाइड से बन सकते हैं, आपस में एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। तो इसीलिए अब हमने इसको भी, हमने जितनी जो इसकी ये है बनाने की विधि है, वो किसी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है। अगर हम एस्टर से बना सकते हैं तो मतलब है उसकी प्रॉपर्टी है एस्टर की, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, उसको बनाने की विधि। तो पहला है जो हमारे पास मेथड है इसको बनाने का, वो है डिहाइड्रेशन। अब इस टर्म को अगर आप समझो तो इसका क्या मतलब हुआ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, जो मैंने बताया एनहाइड्राइड, ऐसे ही डिहाइड्रेशन, लेकिन किसकी डिहाइड्रेशन, ऑफ एसिड्स। कौन से एसिड्स? कार्बोक्सिलिक। नॉर्मल एसिड जो होते हैं, मिनरल एसिड, वो नहीं लेने हैं। नॉर्मल एसिड हो गया जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब, HCl, ये नहीं लेने हैं, वो मिनरल एसिड्स हैं। हमने लेने हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो जिसमें RCOH ग्रुप होता है, उसमें से अगर हम उसकी डिहाइड्रेशन करें, उसमें से पानी को निकालें, तो हमारे पास एनहाइड्राइड बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या, से हमारे पास, मैंने उदाहरण लिया एसिटिक एसिड का, दो मॉलिक्यूल्स, इसको हम फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5 का मतलब होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, अगर हम इसको उसके ओवर रेड हॉट ट्यूब में से पास करें, तो क्या होगा, इसमें से दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकल जाएगा। मैं आपको यहां करके दिखाती हूं कैसे। ये देखिए, ये OH, ये OH, इसमें से आपने वाटर निकाला, देखिए कंपाउंड क्या बन गया, CH3CO, CH3CO, तो क्या चीज बन गई, एनहाइड्राइड, जो इसका नाम होगा, कॉमन नेम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें, इस P2O5 का क्या काम है, पानी को निकालना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर कर लेता है एब्जॉर्ब। आपको कुछ डे टू डे एग्जांपल्स में से देखोगे कि जब ये है आपका नमक पानी ले लेता है, हमने उसमें से पानी को निकालना है, तो हम कोई ऐसी चीज विधि डालते हैं, कुछ सुना होगा कि हम चावल के दाने डाल देते हैं, वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है। जो भी चीज पानी को सोख लेती है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ क्या काम करता है, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो एसिड में से अगर हमने पानी निकालना है तो हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, वो हमने इस्तेमाल कर लिया और हमारे पास एनहाइड्राइड बन गया। चलिए दूसरी विधि करते हैं हम, दूसरी विधि है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स रिएक्शन। अब हम दूसरी विधि करते हैं जो कहती है कि अगर हम एसिड क्लोराइड को
रिएक्ट कराएं, किससे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को अगर हम रिएक्शन करवाएं इनकी आपस में, तो जो हमारे पास निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा? देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है, मैंने उस दिन आपको चार डेरिवेटिव्स बताए थे। एसिड क्लोराइड होता है, एसिड में OH को बदल दिया Cl से, तो बन गया एसिड क्लोराइड। तो ये है हमारा एसिड क्लोराइड, ये है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड होता है RCOOH, इसमें से हमने H हटा के बना दिया सोडियम सॉल्ट, तो क्या हो गया RCOONa, ये इसका सोडियम सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्ट है, ये अब एसिड नहीं रहा, इसने इसके साथ इससे एच निकाल दिया और बन गया सोडियम सॉल्ट। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो मिलता है कंपाउंड वो हमारे पास एनहाइड्राइड है। तो देखो क्या हुआ, इसमें से NaCl निकल गया और RCOOCOR, यही हमने यहां लिखा RCO2O plus NaCl, तो बन गया फिर एनहाइड्राइड। अब मैंने जो उदाहरण दिया है ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड का क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसको मैं लिखती हूं एसिटाइल क्लोराइड और ये है सोडियम सॉल्ट इसका एसिटिक एसिड का ऑफ एसिटिक एसिड, तो बन गया हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। जो पहली विधि थी उसमें दोनों ही हमने क्या लेने थे, एसिड लेने थे, यहां हम क्या ले रहे हैं, एक एसिड क्लोराइड और एक उसका सोडियम सॉल्ट, और हमें मिल गया एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए तीसरा, अब अगली विधि हम करते हैं, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटीन, मतलब कीटीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो हम रिएक्शन करेंगे उससे हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, एनहाइड्राइड। देखिए अब लेकिन जानने की जरूरत है ये कीटीन है क्या, ये कीटीन कहां से आया, एसिड तो ठीक है, ये कीटीन कहां से आया, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा कीटीन। तो रिएक्शन किसके किसके बीच में है, कीटीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, ये हमारे पास है एसिड और हमने इसमें से बनाना है कीटीन। तो क्या करते हैं हम, ये हमने ले लिया एसिटिक एसिड और इसमें डाल दिया हमने एल्यूमिनियम फॉस्फेट और टेम्परेचर 973 पे ले गए और हमारे पास जो बना प्रोडक्ट जो निकला ये कीटीन, और कीटीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोन नहीं है क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा है, तो इसका जो नाम दिया जाता है इसको बोलते हैं, आयुर्वेदियों के हिसाब से भी इसको कीटीन बोलते हैं। ये कीटीन जब फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ काम करेगा, कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, तो हमारे पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा एनहाइड्राइड। तो क्या किया मैंने, मैंने वहां कीटीन लिया, जनरल नाम है कीटीन का, कॉमनली हम उसको नाम से कीटीन बोलते हैं, उसमें मैंने एसिटिक एसिड को डाल दिया क्योंकि एसिटिक एसिड से ही या किसी भी एसिड से हम कीटीन ही बनाएंगे। तो दोनों को हमने दोनों के बीच में क्रिया करी, क्रिया करी तो हुआ क्या, ये देखिए CH3 COOCOCH3, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। बनना तो एसिड से ही है, पहली विधि थी एसिड में से पानी निकाल दिया, दूसरी विधि थी कि हमने एसिड में सोडियम सॉल्ट को ऐड कर दिया, सो एसिड क्लोराइड में सोडियम सॉल्ट को ऐड कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, एसिड से ही, दो एसिड्स की रिएक्शन से हमने बना दिया एनहाइड्राइड। लेकिन हुआ क्या, पहले एक एसिड किसमें तब्दील हो गया, कीटीन में, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने एल्यूमिनियम फॉस्फेट डाला, वो डाला तो ये कीटीन बन गया कीटीन। और जब दूसरा मॉलिक्यूल एसिड का आया, हमेशा एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको दो मॉलिक्यूल तो चाहिए क्योंकि पानी उसमें से हमने निकालना है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बाहर बन के आया वो क्या आ गया, एनहाइड्राइड। तो ऐसे हम जो है बना सकते हैं एनहाइड्राइड्स। तो सिंपल से तीन मेथड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम एनहाइड्राइड बना सकते हैं, या तो उसमें से पानी निकालो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के माध्यम से, या तो सोडियम सॉल्ट और आप एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, या फिर क्या करना है, दो एसिड मॉलिक्यूल तो लेने हैं लेकिन पहले एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ उसको मिश्रण को क्रिया करवानी है, जिससे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है वो एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को कीटीन में बदल डालेगा और कीटीन जो है फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और हमारे पास एनहाइड्राइड में ये तब्दील हो जाएगा। ये तो हो गई इसको बनाने की कुछ विधियां। अब ये एनहाइड्राइड्स होते कैसे हैं,
इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो अब हमें इसके बारे में थोड़ा ज्ञान हासिल करना होगा। और वो क्या है, हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं, अगर हमें कभी मिले एसिडिक कोई भी एनहाइड्राइड तो उसमें क्या क्या खूबियां होंगी, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीजें होती हैं। सो ज्यादातर जो ये एनहाइड्राइड्स होते हैं ज्यादातर ये सॉलिड्स ही ज्यादातर, लेकिन कुछ कुछ एनहाइड्राइड्स हैं जिसको हमने जो हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, पर ज्यादातर ये सॉलिड में ही पाए जाते हैं क्योंकि इसमें से पानी निकलता है। और बहुत अच्छा एथेरिक एनहाइड्राइड, इसका काम भी बहुत अच्छा है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करता है। प्रिजर्वेटिव मतलब किसी चीज को वो खत्म, जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह है या इथाइल एसिटेट है, ये क्या करते हैं, ये थोड़ी देर के बाद इनमें कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं, कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड के बहुत तरीके के किए जाते हैं, इससे एमाइड बन सकता है, सिंथेसिस अमीनो एसिड्स की हो जाती है, तो बहुत जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है हमेशा एसिटाइलेशन, अभी अब मैं जो प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो एसिटाइलेशन के काम आता है, हर जगह एसिटाइलेशन के लिए जो एजेंट हम यूज करते हैं वो हम एसिटिक एनहाइड्राइड को ही यूज करते हैं। एसिटाइलेशन का मतलब होता है हमने कौन सा ग्रुप ऐड करना है, CH3CO ग्रुप को हमने ऐड करना है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नार्कोटिक्स होते हैं, जो ड्रग्स जिनको बोलते हैं, उनमें एक विशेषता है, कोडीन एक कंपाउंड होता है जो ओपियम से निकलता है, इसको मॉर्फीन बोलते हैं, कोडीन बोलते हैं, थीबेन बोलते हैं, उसी को अगर हमने कोडीन की एसिटाइलेशन बंद करते हैं तो हीरोइन बन जाता है। तो क्या है वो एसिटाइलेशन करने के लिए, जो हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बहुत आसानी से मिलता नहीं है, बैंड आइटम रहता है, इसी वजह से, क्योंकि ये एसिटाइलेशन के काम आता है, और कोडीन की एसिटाइलेशन करेंगे तो वो हीरोइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ड्रग्स कहते हैं, ड्रग का जो बहुत चलन हमारे समाज में फैल रखा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, विशेषता है, वो है हाइड्रोलिसिस। अब तक आप जान गए होंगे हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है हाइड्रोलिसिस का मीनिंग है, मतलब है पानी उसमें डालना। पानी क्या है, H+ और OH-। तो मैंने आपको पहले ही बताया संक्षिप्त में कि जब हम एनहाइड्राइड बनाते हैं तो हम एसिड में से पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, लेकिन जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब एनहाइड्राइड से हम एसिड बनाएंगे। तो जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, कोई भी एनहाइड्राइड, चलिए मैं जनरल जो उसका फॉर्मूला है वो लिखती हूँ, इसमें हमने पानी डाला तो क्या बन जाएगा, इसमें ये तब्दील हो जाएगा हमारे को RCOOH। तो हमने दो मॉलिक्यूल एसिड लिए, पानी निकाला तो एनहाइड्राइड बना, उन्हीं एनहाइड्राइड में हमने वाटर को ऐड किया तो हमारे पास एसिड बन गए। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सो जब भी एनहाइड्राइड्स की हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या कंपाउंड बाहर निकल के आता है, वो है एसिड, जिस भी एनहाइड्राइड से आपने लिया हो। अब उदाहरण था, क्योंकि मैंने सारी जो उदाहरण दिए हैं एसिटिक एसिड से दिए हैं तो आपको समझ आ जाएगी, आर कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये है हमारा एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मैंने क्या किया, इसमें वाटर एडिशन करी तो हमारे पास जो मिल गया वो क्या मिला, CH3COOH। देखो यहां पर OH, यहां पर H, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल, एक ही वाटर मॉलिक्यूल से हो जाएगा, मगर मिलेंगे आपको दो कंपाउंड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। आपने यहां पर सोचो OH डाला और यहां पर H डाला तो क्या बन गया, CH3COH। तो एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का मतलब मीनिंग हो गया H+ और OH-, ठीक होगी बात। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिड्स, हम एनहाइड्राइड से एसिड्स कैसे बना सकते हैं, एनहाइड्राइड से हम एसिड्स कैसे बना सकते हैं, तो एनहाइड्राइड्स में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो अगर एसिड बनाने की विधि पूछ लो तो एक विधि ये हो गई कि एनहाइड्राइड्स में हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमें, और अगर एनहाइड्राइड बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं, हमने एसिड्स में से वाटर को निकाल दिया, एनहाइड्राइड बना दिया, डिहाइड्रेट कर दिया। सो मैंने वही कहा, इसीलिए हम इनको सबको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे में बदल सकते हैं और बेस इनका सेम रहता है, जो
फाउंडेशन चीज है वो सेम है, पेरेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन पेरेंट जो ग्रुप है वो सेम है, लेकिन हम उसको एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं। दूसरी विशेषता एल्कोहोलिसिस, क्या मीनिंग होगा इसका, मतलब क्या होगा, मीन एल्कोहोलिसिस मतलब है कि हम इसको एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं कोई भी एनहाइड्राइड, RCOOCOR, और इसमें हमने R ही लिख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ रहेंगे, तो हमारा है 2R-OH के साथ हमने इसको कर दिया, तो हमारे पास जो बन के आता है वो है OR-RCOOH। तो एल्कोहोलिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एल्कोहल का एडिशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस में हम पानी का एडिशन करते हैं, एल्कोहोलिसिस में हम एल्कोहल का एडिशन करते हैं। तो ये मैंने लिया एनहाइड्राइड, ये हमने ले लिया एल्कोहल के मॉलिक्यूल, तो क्या कर दिया, देखो आपने क्या कर दिया, एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा, तो सोचो ये ओ आर नेगेटिव है, ये एच प्लस, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, क्या बोलेंगे हम इसको, ये पहला डेरिवेटिव है जो हमने एसिड का किया था, और कौन सा ग्रुप है, COO, तो हम इसको बोलेंगे एस्टर। तो हमारे को क्या मिला, अगर हम एल्कोलिसिस करते हैं एनहाइड्राइड्स की तो हमें क्या मिलना चाहिए, एस्टर और एसिड। हमें क्या मिल सकता है एल्कोलिसिस करने पे एनहाइड्राइड की, एस्टर और एसिड। अब हम उदाहरण ले लें उदाहरण से, और हमारा जो है विवरण साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है बनता है। चलिए अब हम लिख रहे हैं CH3COOCO, ये तो हो गया हमारा एनहाइड्राइड, हमने इसको एल्कोहोलिसिस करनी है, तो हम डालते हैं C2H5OH, तो हमने क्या बना दिया CH3COOC2H5+ CH3COOH। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट, और ये बन गया हमारा एसिटिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इथाइल एसीटेट हम कैसे बना सकते हैं, तो हम एल्कोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड से बना सकते हैं, कैसे करना है, एल्कोहल के साथ हमने उसको रिएक्ट कराना है। ठीक हो गया, अब अगली विशेषता हम पढ़ते हैं, अगली विशेषता है अमोइनोलिसिस, हम अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। अभी हमने एल्कोहोलिसिस करा, तो क्या था, एल्कोहल के साथ किया, अब हम अमोनियालिसिस मींस रिएक्शन विद अमोनिया, इसको अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 टू फॉर्म क्या बनाता है, एमाइड। एमाइड भी एक एसिड का ही डेरिवेटिव है जिसमें OH की जगह NH2 लगता है। तो कभी भी अगर हम एनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एमाइड। तो अब हमने करना कैसे है उसको, अब हम वो करते हैं। ठीक है, ये है हमारा RCOOCOR+NH3, और हमें क्या देगा, NH3 होता है अमोनिया, ये हो गया RCOONH2+RCOOH, तो ये बन गया एमाइड और ये बन गया एसिड, तो हम बोलते हैं इसको अमोनियोलिसिस। तो क्या किया हमने, हमने इसकी रिएक्शन करी किसके किसके बीच में, हमने रिएक्शन करी एनहाइड्राइड और अमोनिया के बीच में, तो क्या हो गया, सोचिए यहां पर NH2 और यहां पर H, यहां पर H, ये NH2 और H, और ये बन गया RCONH2। OH किससे बदल गया, NH2 से, एसिड के OH को हमने NH2 में बदल दिया, तो एमाइड, तो वो भी एक डेरिवेटिव है आपका एसिड का, तो इसको बोलेंगे हम अमोनियालिसिस। अब हम देते हैं एग्जांपल, क्योंकि हम एसिटिक एसिड से करते चलते आए हैं, तो हम एसिटिक एसिड का ही उदाहरण लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का ही उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारे पास, CH3COOCOCH3+ हमने अमोनिया डाल दिया,
देखिए क्या बना, CH3CONH2 + CH3COOH, और इसका नाम क्या होगा, एसिटामाइड। एमाइड है तो, एमाइड तो जनरल नाम होता है, लेकिन एसिटिक एसिड से निकला है तो हम इसका नाम एसिड। अभी अगला जो डेरिवेटिव हमने पढ़ना है वो एमाइड्स भी है, तो क्या है, एसिटामाइड हो गया, और ये जो बना एसिटिक एसिड। तो अगर हमने अमोनियोलिसिस करी तो एक एनहाइड्राइड एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहां तो ये इसकी विशेषता है और दूसरी इसकी प्रिपरेशन। अगर आपको एमाइड बनाना है किससे बना सकते हैं, एनहाइड्राइड से बनाता है। तो बहुत कम चीज है जो कि हमें याद रखनी होगी, क्योंकि एक से हम दूसरे फॉर्म में उसको ले जाते हैं। चलिए अगली विशेषता पढ़ते हैं, वो है अगर हम इसको अमीन के साथ रिएक्ट करवाएं, इसकी क्रिया करें, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स मिलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, अब हम लिखते हैं रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स। हमारे पास है एनहाइड्राइड, मैं शॉर्ट में लिखती हूं इसको, प्लस अमीन, चलिए हम लिखते हैं मिथाइल अमीन, और हमें जो मिलेगा वो होगा आर सी, चलिए हम इसको आर ही लिखते हैं, उदाहरण में हम ठीक कर देंगे, हमें मिलेगा आर सी ओ एन एच आर डैश प्लस आर सी ओ ओ एच। तो किसमें तब्दील हो गया हमारा कंपाउंड, हमारे पास तो एनहाइड्राइड था और हमें जो मिला सी ओ एन एच तो है ही, सी ओ एन एच ग्रुप किसके लिए होता है, एमाइड के लिए, लेकिन ये जो हम अमोनिया से किया तो सिंपल अमाइड बन गया। यहां जब हम कर रहे हैं तो आप देखो इस एन पे कुछ जुड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, हमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिल जाएगा, मोनो मिथाइल, डाई मिथाइल, कोई भी जिस जो जैसी जैसी इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी वैसी वैसी बन जाएगी। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से हम करते हैं, तो फिर आप देखते हैं हमारे पास कौन सा एमाइड बन सकता है, CH3CO2O प्लस, चलिए हम मिथाइल अमीन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बना CH3CONH CH3 प्लस CH3COOH। तो हमारे पास N मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड, सो हम बोलेंगे इसको N मिथाइल एसिटामाइड। अगर खाली यहां पर NH2 होता तो एसिटामाइड था, जो कि हमने अमोनिया के साथ जब रिएक्शन किया तब बनाया, लेकिन अभी हमने क्या किया, उसमें एक चीज में कोई H को रिप्लेस कर दिया, किससे, मिथाइल से, तो ये बन गया हमारा N मिथाइल एसिटामाइड। अब अगर आपको खाली एसिटामाइड बनाना है तो NH4 के साथ ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, और अगर हमने सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाना है मतलब पूरे का पूरा वो NH2 नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई ग्रुप जोड़ना है, तो हमें क्या चाहिए, हम अमीन्स के साथ उसकी रिएक्शन, कोई भी प्राइमरी अमीन के साथ हम उसकी रिएक्शन करा सकते हैं और हमें जो है कंपाउंड मिल सकता है। चलिए अगली विशेषता करते हैं, रिएक्शन विद PCl5 या कन्वर्शन ऑफ एनहाइड्राइड्स, पहले हम ये लिखते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म एसिड क्लोराइड्स, मतलब हुआ अगर हम एनहाइड्राइड्स को किससे क्रिया करें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करें, और जो हमें कंपाउंड मिलेगा, जो आउटपुट होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड क्लोराइड, मतलब OH की जगह Cl, एसिड में OH की जगह Cl, तो एक डेरिवेटिव बन गया। तो एक तो मेथड बन गया आपका एसिड क्लोराइड बनाने का, और दूसरा ये इसकी विशेषता हो गई। तो हम लिखते हैं कोई भी एनहाइड्राइड RCO2O प्लस PCl5, हमें जो मिल रहा है वो होगा RCOCl + POCl3। तो
तो ये जो RCOCl है ये क्या है, ये RCOCl है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और POCl, अब हम उदाहरण ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का हमने उदाहरण ले लिया CH3CO प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये किसमें बदल गया CH3COCl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड, और ये दो मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए एसिटाइल क्लोराइड। ये क्या नाम हो गया इसका, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटिक एसिड से निकला है और OH Cl में बदल गया तो बन गया CH3COCl और नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड, और POCl3 का मतलब हो गया फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो अगर हमने एनहाइड्राइड को एसिड क्लोराइड्स में बदलना है तो आपको PCl5 के साथ उसको रिएक्शन करनी है। तो एक तो ये इसकी विशेषता हो गई और एसिड क्लोराइड का बनाने की विधि हो गई। अगर हमें एसिड क्लोराइड बनाना है हम इसको इससे बना सकते हैं। चलिए अब एक और विशेषता इसकी कि अगर हम इसको रिड्यूस करें, रिडक्शन सोडियम एल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तब ये किस में बदल सकता है, किस चीज की रिडक्शन हो जाएगी एनहाइड्राइड में। जब हम एनहाइड्राइड को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, तो ये बन जाता है एल्कोहल। अब क्या है वो, पहले मैं लिखती हूँ रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड्स, किसी भी एनहाइड्राइड की रिएक्शन, रिडक्शन। अब रिडक्शन तो हम आपको बता चुके हैं, पता है, आप जानते भी हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना, उसमें से हटा देना ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को ऐड कर देना, जमा कर देना। उस कंपाउंड में O हट गया, H आ गया, तो हम उसको बोलेंगे या तो O हट गया तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, या उसमें H आ गया जो पहले नहीं था वो H आ गया, तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अब क्या कह रहे हैं कि हम अगर एनहाइड्राइड्स की रिडक्शन करें तो किससे कर सकते हैं, जो हम रिएजेंट होना चाहिए जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे। तो रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल। तो ये क्या करता है, एनहाइड्राइड वाला जो पार्ट है, जो एनहाइड्राइड है जिस एसिड से बना है, वो उसको एल्कोहल में बदल देता है। तो मैं लिखती हूँ RCO2O प्लस 8 मॉलिक्यूल्स H के इन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथेनॉल, इथेनॉल इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम, एने तो सोडियम है और ये इथेनॉल में अगर हम लेते हैं तो ये इसको बदल देता है RCH2OH। तो RCH2OH का मतलब हो गया ये क्या में, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका एल्कोहल में। तो कभी भी जब हमने इसको ट्रीट करना है, हमने इसको वो बनाना है, रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या मेथड है, हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसको ट्रीट करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ के साथ पानी। तो दो मॉलिक्यूल्स आपके एल्कोहल के बन गए और साथ में हमारे पास वाटर आ गया, तो कन्वर्ट हो गया हमारा एनहाइड्राइड किसमें, एल्कोहल में। एल्कोहल मींस प्राइमरी एल्कोहल। अब हम उदाहरण ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, अब देखते हैं हमारे पास कौन सा एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं एल्कोहल, किससे बना रहे हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड से। सो मैंने लिखा CH3CO2O प्लस 8H इन प्रेजेंस ऑफ, इसकी मैं अभी जो मैंने बता दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH। हम C2H5 को ET के फॉर्म में भी लिखते हैं जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, और हमें मिल जाएगा CH3CH2OH प्लस वाटर। तो ये हो गया हमारे पास इथेनॉल।
तो अगर हमने इथेनॉल बनाना है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो जो हमारे पास विधि है वो क्या है, जो इसकी विशेषता है और इथेनॉल बनाने की विधि है वो है, हम इसको ट्रीट रिड्यूस कर देते हैं किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन एल्कोहल। अब हमारे पास एक लास्ट इसकी एक विशेषता बची है, वो है जो मैंने आपको अभी बताई, एसिटाइलेशन वाली। ये यूज करते हैं हम इसको एज एसिटाइलेटिंग एजेंट। एसिटाइलेटिंग एजेंट का मतलब हो गया कौन सा ग्रुप ऐड करना है, CH3CO। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में अगर हमने एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है तो हम उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी हो गई विशेषता, और हम किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए, एसिटाइल ग्रुप बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ड्रग्स का, मॉर्फीन का, कोडीन का, वो एग्जाम्पल इसीलिए है कि अगर हमने उसमें एसिटाइल ग्रुप को ऐड करना है जो कि हीरोइन में बदल जाता है, हमें जो रिएजेंट का इस्तेमाल करना होगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप जानते हो, पढ़ा है, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन हमने करनी है, हमने ग्रुप ऐड करना है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन का किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और जो ग्रुप ऐड हो जाता है वो है COR। चलिए AC लिख दें या हम इसको एनहाइड्राइड ही लिख देते हैं, RCO2O एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये है लिविस एसिड, और हमारा इसमें क्या काम है, हम चाहते हैं इस बेंजीन में ये RCO ग्रुप ऐड हो, तो RCO ग्रुप ऐड कैसे हम करेंगे, हम कैसे ऐड करेंगे RCO ग्रुप, हम उसको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है, जो लिविस एसिड है, उसकी प्रेजेंस में हम ये कराते हैं और हमारे पास एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनहाइड्राइड्स हमेशा किस काम में आते हैं, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं, और आपको पता चल जाएगा हमने कैसे किया। अगर आपको बोला जाए बेंजीन से एसिटाइल ग्रुप बेंजीन में ऐड करो, तो हम किससे करेंगे, देखिए ये बेंजीन है और हम डाल रहे हैं CH3CO2O, और हमारे पास जो तब्दील होके आ गया कंपाउंड वो हो गया COCH3। कौन सा ग्रुप ऐड हो गया, COCH3, तो एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो एसिटाइल बेंजीन बन गया। तो हमारे पास अगर हमने एसिटोफिनोन बनाना है या एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है, तो जो हम रिएक्शन करते हैं वो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और यहाँ पर जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें पानी नहीं है, ये रिएक्शन बहुत विग्रस होती है, तुरंत वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, सो इसलिए इसको बड़े ध्यान से, केयरफुली, सावधानी पूर्वक करा जाता है, और हमारे पे कंपाउंड जो है वो बन जाता है एसिटिक एसिटाइल ग्रुप एडेड बेंजीन। तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने, जो रिलेटेड कंपाउंड है, बेंजीन हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, और हमने एसिटाइलेटिंग एजेंट किसी को यूज करना है, तो वो हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। कभी कभी हम पिरिडीन का इस्तेमाल भी करते हैं, जहाँ जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं उसको एसिटाइलेशन करना है, तब हम एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं, जो पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन ज्यादातर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से करनी है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजीन, या फिर हम एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अतः अब हमने क्या समझा इस पूरे टॉपिक में, कि एनहाइड्राइड्स की विशेषता क्या है, एनहाइड्राइड्स को हम कैसे बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ है। पहले मैंने आपको जनरल बता दिया, फिर मैंने आपको एक दो विधियाँ इसकी बना दी, कि हम एसिड में से पानी निकाल दिया, हमने सोडियम सॉल्ट से किया, फिर हमने कीटीन के साथ रिएक्ट किया। ऐसे ही विशेषता में बताई कि पानी डालो तो एसिड बन जाता है, आपने अल्कोहल डाला तो एस्टर बन जाता है, आपने अमोनिया डाला तो एमाइड बन जाता है, अमीन डाला तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है, PCl5 डाला तो एसिड क्लोराइड बन जाता है, आपने अल्कोहल डाला, आपने रिडक्शन किया तो अल्कोहल बना दिया, और लास्ट में हमने इसको एसिटाइलेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया।
CH3CO. इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप. किसी भी कंपाउंड में अगर हमने एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है तो हम उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो ये इसकी हो गई विशेषता. और हम किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए, एसिटाइल ग्रुप बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ड्रग्स का, मॉर्फीन का, कोडीन का. वो एग्जाम्पल इसीलिए है कि अगर हमने उसमें एसिटाइल ग्रुप को ऐड करना है जो कि हीरोइन में बदल जाता है, हमें जो एजेंट का इस्तेमाल करना होगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड. अगर आप जानते हो, पढ़ा है, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन. हमने करनी है, हमने ग्रुप ऐड करना है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. बेंजीन का किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. और जो ग्रुप ऐड हो जाता है वो है COR. चलिए AC लिख दे या हम उसको एनहाइड्राइड ही लिख देते हैं. RCO2O एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ये है लिविस एसिड. और हमारा इसमें क्या काम है? हम चाहते हैं इस बेंजीन में ये RCO ग्रुप ऐड हो. तो RCO ग्रुप ऐड कैसे हम करेंगे? हम कैसे ऐड करेंगे RCO ग्रुप? हम उसको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे. किसके साथ? एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, जो लिविस एसिड है, उसकी प्रेजेंस में हम ये कराते हैं और हमारे पास एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है. सो इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो एनहाइड्राइड्स हमेशा किस काम में आते हैं? एसिटाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं और आपको पता चल जाएगा हमने कैसे किया. अगर आपको बोला जाए बेंजीन से एसिटाइल ग्रुप बेंजीन में ऐड करो, तो हम किससे करेंगे? देखिए ये बेंजीन है और हम डाल रहे हैं CH3CO2O. और हमारे पास जो तब्दील होके आ गया कंपाउंड वो हो गया COCH3. कौन सा ग्रुप ऐड हो गया? COCH3. तो एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो एसिटाइल बेंजीन बन गया. तो हमारे पास अगर हमने एसिटोफिनोन बनाना है या एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है, तो जो हम रिएक्शन करते हैं वो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. और यहाँ पर जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें पानी नहीं है. ये रिएक्शन बहुत विग्रस होती है, तुरंत वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है. सो इसलिए इसको बड़े ध्यान से, केयरफुली, सावधानी पूर्वक करा जाता है और हमारे पे कंपाउंड जो है वो बन जाता है एसिटाइल ग्रुप एडेड बेंजीन. तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने, जो रिलेटेड कंपाउंड है, बेंजीन हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, और हमने एसिटाइलेटिंग एजेंट किसी को यूज करना है तो वो हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड. कभी कभी हम पिरिडीन का इस्तेमाल भी करते हैं, जहाँ जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं उसको एसिटाइलेशन करना है, तब हम एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं जो पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है. लेकिन ज़्यादातर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से करनी है. और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजीन, या फिर हम एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो अतः अब हमने क्या समझा इस पूरे टॉपिक में कि एनहाइड्राइड्स की विशेषता क्या है, एनहाइड्राइड्स को हम कैसे बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ है. पहले मैंने आपको जनरल बता दिया, फिर मैंने आपको एक दो विधियाँ इसकी बना दी कि हम एसिड में से पानी निकाल दिया, हमने सोडियम सॉल्ट से किया, फिर हमने कीटीन के साथ रिएक्ट किया. ऐसे ही विशेषता मैं बताई कि पानी डालो तो एसिड बन जाता है, आपने अल्कोहल डाला तो एस्टर बन जाता है, आपने अमोनिया डाला तो एमाइड बन जाता है, अमीन डाला तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है, PCl5 डाला तो एसिड क्लोराइड बन जाता है, आपने अल्कोहल डाला, आपने रिडक्शन किया तो अल्कोहल बना दिया, और लास्ट में हमने इसको एसिटाइलेटिंग